वेलकम बैक गाइस, आज एक लेटेस्ट अपडेट आई है हमारे पास, और वह लेटेस्ट अपडेट कौन सी है, जो जेल प्रहरी वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का फॉर्म डाला था, तो उनका जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। मतलब आप लोग पीबी की ऑफिशियल साइट से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी जो है पीबी की ऑफिशियल साइट पर यह एडमिट कार्ड जो है उसकी लिंक जारी नहीं हुई है। मैं आपको डायरेक्ट उस लिंक पर लेकर चलूंगा जहां से आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। सबसे फास्ट अपडेट है गाइस हमारे पास यहां, तो चलिए मैं उसके साइट के ऊपर लेकर चलूंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था और कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। और आपको जो है प्री के बाद आपको मेडिकल देना है, तो मेडिकल में क्या निर्देश दिए, कोविड के चलते क्या निर्देश जारी किए हैं, वह निर्देश के ऊपर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूं इसके ऑफिशियल साइट पर। हम लोग तो अभी ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं पीबी को, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूंगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग जो है इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते। देखिए गाइस यहां पर लिखा हुआ एडमिट कार्ड पर, यहां पर मैं एडमिट कार्ड को जैसे क्लिक किया, देखिए यहां पर जेल प्रहरी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है जेल प्रहरी आ चुका है, जेल प्रहरी की ऑफिशियल साइट पर हम यहाँ पर है। क्या निर्देश क्या दिए हैं, देखिए निर्देश बिल्कुल पढ़ना अनिवार्य है, निर्देश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, देन उसके बाद ही आपको जो है वहां पर आपके एग्जाम हॉल में जाना है। देखिए कोविड के चलते अभी जो निर्देश नए निर्देश जारी हुए, चलिए मैं निर्देश एक बार आपको पढ़ दूं जल्दी जल्दी से। निर्देश क्या दिए उन्होंने, पीबी उम्मीदवारों को स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड 19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आपको यह निर्देश दिया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको जो है यात्रा भत्ता तो मिलेगा बट अपनी सुरक्षा से ही आना है। यहाँ पर ऐसे निर्देश इन्होंने दिए गए हैं। और क्या निर्देश दिए गए, सुरक्षा के संबंधित बहुत से निर्देश इन्होंने दिए। परीक्षा पूर्व तैयारी, देखिए उम्मीदवार को यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा के जो आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको क्या 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 आपको फोटो लगने वाली है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचे, मतलब आपको समय के अनुसार ही वहां पर पहुंचना है अपने एग्जाम हॉल में। प्रवेश के समय परीक्षा केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचे या सामाजिक दूरी बनाए रखे, मतलब आपको जो है वहां पर परीक्षा हॉल में क्या होता था, पहले आपकी भीड़ लगती थी बट अब क्या है आपको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, जब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक जो है आप जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में संबंधित दस्तावेज एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ, आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है, जैसे वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है गाइस। चलिए आगे क्या दिया, एक साधारण पारदर्शी बॉल, मतलब आपको एक पेन लेके जाना है, जो बॉल पॉइंट पेन होता है वह आपको लेके जाना है। अतिरिक्त तस्वीर, मतलब आपको एक पहचान, जो आपका फोटोग्राफ होता है जो आपने वहां लगाया था, जो आपने फॉर्म भरा था वहां पर आपने जो फोटो लगाया था वह आपको लेके जाना है। और क्या लेके जाना है, व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर, आपको सैनिटाइजर लेके जाना है, 50 ml की एक बोतल आपको आपके पास रहना अनिवार्य है, यहाँ पर दिया हुआ एडमिट कार्ड में, तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, मतलब पानी की बोतल भी आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा, वहां पर आपको एग्जाम हॉल में कोई पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। एंट्री का समय दिया है, उपरोक्त उम्मीदवारों को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना पड़ेगा ही। और क्या दिया है इन्होंने, इस तरीके से गाइस हमारे पास अलग अलग निर्देश दिए हैं। चलिए मैं आपको अब निर्देश आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, मैंने जो आपको इंपोर्टेंट है वह निर्देश बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको लिंक दे रखा हुआ है, यहाँ पर क्या डालना है, आपको डिजिट डालना है, जो अपना जो आपको मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, और देन उसके बाद आपका एडमिट आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यह डिजिट जो दिया है उसको क्या करना है, यहाँ पर लिख कर यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। चलिए मैं सर्च पर क्लिक करके बता दूंगा, यहाँ पर मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ गाइस, तो मैं थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके अपनी डिटेल भर फिल कर रहा हूँ। इस तरीके से गाइज आपके पास जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, इससे आप लोग प्रिंट लीजिएगा। देखिए आप ये कैंडिडेट का दिया है एग्जाम, 21/11 को इनका एग्जाम होने वाला है, 21/11/2020 को एग्जाम होने वाला है, 2 से लेकर 4 बजे वाली शिफ्ट में इनका एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम सेंटर कहाँ दिया है इन्होंने, जबलपुर यहाँ एग्जाम सेंटर दिया है। उसके बाद आपको प्रिंट ले लिया है गाइस इसका, और इसको जो है निर्देश का प्रिंट लेना है, देन इसका आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट लेना है, और उसमें जो निर्देश मैंने अभी बताया आपको उसको लेकर आपको एग्जाम हॉल में जाना है, अपनी सुरक्षा से जाइएगा। और जो है कट ऑफ की बात में गाइस, तो कट ऑफ मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि पिछले ईयर में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसमें मेडिकल में मेडिकल फिट के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, और आपका जो है रिटन एग्जाम उसमें कितना कट ऑफ गया था, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे ही मैं कट ऑफ का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आशा करता हूं गाइस कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लोग इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद गाइस, जय भारत।